आइए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली आपको ये एक सवाल के साथ छोड़ा था, है ना? और काफ़ी बच्चों ने कर लिया था, लेकिन कई बच्चों ने कहा था शायद कि सर हम आपका चेपने का इंतज़ार करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं एक बार। तो जिन बच्चों ने करा उनसे मदद ले लेंगे थोड़ी सी। एक बार चलो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा था, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। इस लाइन का बच्चों कोई आपके लिए मतलब कोई ऐसा मीनिंग नहीं बनता, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन का। तो ये इसके लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बाय चांस कोई बच्चा बाद में सोचे कि अरे ये क्या मतलब है भाई, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, बस इस लाइन का मतलब ये है कि उसने विड्रॉ नहीं करा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, ये बेकार के वर्ड्स हैं। बाकी कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज 2,40,000। हाँ, ये चलो एक अच्छी इंग्लिश का पॉइंट था। तो उसने हमें बोला कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाइज सैलरी 2,40,000। तो बताओ इसका हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? बिफोर का मतलब, हाँ बिफोर का मतलब IOC पे करने से पहले, बट आफ्टर वाइज सैलरी का मतलब, हाँ वाइज सैलरी पे करने के बाद। वेरी गुड, वाइज सैलरी पे करने के बाद। तो हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो 2,40,000 वाई की सैलरी पे करने के बाद दे रखा है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा पहले कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बंद कर देना दोस्त, एंड बिफोर वाइज सैलरी, मतलब कि वाई की सैलरी पे करने से पहले कितना प्रॉफिट होगा आपको ये निकालना है। तो किस कौन बच्चा बताएगा बताओ? वेरी गुड, बताओ। तब तो कह रहे थे मैंने क्वेश्चन कर लिया सर, मैंने तो चेप के करा था, मुझे क्या पता। हाँ तो अब देखो वाई की सैलरी कितनी है, 60,000 है ना, 60,000। तो अब आप इस बात को समझो भी, खाली चेपना उद्देश्य नहीं है। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो ऐसे करते हैं, चलो ये कुछ ये कागज के टुकड़े ले आते हैं, मान लो मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, ठीक है, ये मान लो ये कुछ लाखों रुपए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाखों रुपए हैं इनमें से मैंने 60,000 पे कर दिया, और पे करने के बाद अब ये 2,40,000 बचे हुए हैं। तो आपको ये पता लगाना है, आपको ये बताना है कि पे करने से पहले मेरे हाथ में कितना था। तो आप 3 लाख बोलोगे, तो इसका मतलब आपने कैसे पता लगाया, 3 लाख प्लस करके, है ना? तो पहले हमको ये प्रॉफिट निकालना है 3 लाख, क्योंकि ये इसका मतलब जो है ये हमारा कुछ भी प्रॉफिट पे करने से पहले है, तो हमको ये प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों ने जिन्होंने करा ये निकाल लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में दे रखा है, आगे दे रखा है, उसके बाद दे रखा है जी, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ठीक है, कह रहे हैं जी मैनेजर को 5% आपको कमीशन देना है प्रॉफिट का, मैनेजर को आपको कमीशन देना है। तो मैनेजर का कमीशन बताओ क्या होता है ये? वेरी गुड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आप पहले ये बताओ अब बच्चों कि पहले चार्ज पे करोगे या पहले पार्टनर को IOC पे करोगे, क्या पे करेंगे? चार्ज देंगे पहले, है ना? तो आपको मैनेजर का कमीशन निकालना पड़ेगा। तो वो हम मतलब यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि मैनेजर्स कमीशन कितना आएगा। ठीक है, तो वो तो सीधा सीधा निकाल लोगे आप, 3 लाख का प्रॉफिट
का 5% 15,000। तो आपको पहले ये मैनेजर कमीशन ये पे करना पड़ेगा, तो 15,000 रुपये को माइनस कर देता हूँ, मतलब कि ये मैनेजर कमीशन आपको पहले पे करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज है। तो इसको पे करने के बाद आपका कितना नेट प्रॉफिट बचेगा? 2,85,000। तो आप अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे? 2,85,000। ठीक है, तो जिन बच्चों ने करा होमवर्क तो उन्होंने 285 लिखा था, तुमने चेप के लिखा था 285, देखो। ठीक है, तो भाई सबने 285 ही लिख रखा था जिन्होंने जिन्होंने होमवर्क करा। ठीक है, चलो। तो फिर वो कह रहा है प्रिपेयर पीएनएल एप्रो अकाउंट। चलो तो ये फटाफट बना लेते हैं पीएनएल एप्रो। तो अब जो है आसान हो गया, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको बाय पीएनएल अकाउंट यानी कि जो नेट प्रॉफिट लिखना है वो कितने रुपए लिखना है? 285, बिल्कुल सही। बस, और फिर अप्रोप्रिएशंस दो हैं इसमें, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आप जिन्होंने निकाला वो बता दो कितना कितना है। एक्स का 70, अच्छा एक्स का 40 और वाई का 30, ओके बाहर आ गया 70। और दूसरा अप्रोप्रिएशन है वाइज सैलरी, वो 60,000 गिवन है। ठीक है, टोटल आ गया 285। तो 285 में से माइनस कर दिया तो कितना बच गया प्रॉफिट? 1,55,000, 1,55,000। और x और y का रेशो क्या है? 3:2 में बांट दिया, 93,000 और 62,000। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने होमवर्क करा उनका ये सही है सेम? ठीक है, चेप के तुमने यही करा होगा। चलो, तो जितने चेपू मास्टर हैं उनका भी यही है, बाकी जिन्होंने करा उनका तो ये है ही है। ठीक है, तो आप बच्चे नोट कर लो ये आंसर, जिन्होंने अगर नहीं कर रखा वो। चलो, तो आज के क्वेश्चन शुरू करें बच्चों, अब आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। आइए, तो अब मैं आपको अपने साथ साथ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मेरे साथ करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करना है, आज थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे और बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 18 पर आप बना लो सी का सिंबल बना लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो मतलब ये सी भी बन गया और सितारा भी लगा लिया। चलो आओ ये पढ़ते हैं। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल वर एज फॉलोज, उनके बैलेंसेस 1 अप्रैल को क्या हैं? कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड, ओ माय गॉड। तो इसका मतलब पहली बात ये कि ये कौन सा कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ये बात थोड़ा मतलब ध्यान रखनी है। तो कितनी है कैपिटल फिक्स्ड वाली? अतुल की 5,00,000 है, ठीक है, मिथुन की 6,00,000 है, ठीक है। उसके बाद ये हाईलाइट कर लो, या मतलब ये है बस क्वेश्चन में स्टार पॉइंट, लोन अकाउंट्स, बस ये दे रखा है इसलिए इसके लिए सी बनवाया है, और किसी बात का सी नहीं है, बाकी तो सब बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, लोन अकाउंट्स, अतुल के बारे में लिखा है रुपी 3,00,000, क्रेडिट लिखा है क्रेडिट। तो कौन बच्चा तुक्का मार के बताएगा कि इसका क्या मतलब है? अतुल 3,00,000 लेकिन क्रेडिट लिखा है, इसका क्या मतलब है? भाई एक दिया कह दो, एक लिया कह दो, तो भाई किसी का तो ठीक हो ही जाएगा। हाँ, अब समझ लो, देखो ये रट्टू तोते वाली ना हरकतें 11वीं में छोड़ के आनी है। अब ये बताओ, आप बैलेंस शीट फर्म के हिसाब से बनाते हो कि पार्टनर के हिसाब से बनाते हो? फर्म के हिसाब से बनाते हो। लायबिलिटी साइड को क्रेडिट कहते हो या एसेट साइड को क्रेडिट कहते हो?
कौन सी साइड को क्रेडिट कहते हैं? ये सबको पता है, 11th का बेसिक, लायबिलिटी को क्रेडिट कहते हैं और एसेट को डेबिट कहते हैं। तो उसने दिया है लोन अकाउंट अतुल 3 लाख क्रेडिट, इसका मतलब है ये कौन सी साइड लिखा हुआ होगा? लायबिलिटी साइड लिखा हुआ होगा। तो अब आप दिमाग लगाओ कि फर्म की लायबिलिटी साइड अगर लिखा हुआ है लोन, तो ये फर्म ने लिया है या दिया है? लिया है। वेरी गुड। तो ये जो अतुल वाला लोन है ना, 3 लाख रुपी वाला, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, ये फर्म ने अतुल से लोन लिया है। क्लियर हो गया? बिना तुक्केबाजी के लॉजिक के साथ सबको क्लियर हो गया कि आपको कैसे पहचानना है? सबको क्लियर हो गया? तो क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब तो इतना तो नॉलेज होगी 11th की कि लायबिलिटी का मतलब है लोन लेना, लोन लिया। अब ऐसी देखो, मिथुन, मिथुन का बारे में दे रखा है 2 लाख रुपए, लेकिन डेबिट दे रखा है, तो अब इसका मतलब क्या? वेरी गुड। तो अब तो बोल ही दोगे इसमें क्या वेरी गुड, वो तो उल्टा हो गया। तो इसका मतलब है कि मिथुन को फर्म ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का, हाँ, इसीलिए एसेट में है। डेबिट का मतलब है इसीलिए बैलेंस शीट में मिथुन का लोन एसेट में नजर आ रहा है कि क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, डेबिट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया स्टार पॉइंट की? ये बस इस लाइन का स्टार पॉइंट था और कुछ नहीं। अच्छा, अब चलो पहले अतुल के लोन का बताओ। अतुल से लोन लिया है तो फर्म उसको बदले में क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। तो ये वाला इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होता है? चार्ज। वेरी गुड। तो याद है इसका मतलब आपको बातें। और मिथुन, मिथुन को लोन दिया है तो मिथुन से बदले में क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो ये वाला इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? इनकम। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। वेरी गुड। ठीक है भाई, सबको क्लियर? अब आगे पढ़ लो बस, मेरा तो काम खत्म क्वेश्चन का, मुझे तो बस यही लाइन सिखानी थी। आगे अब लिखा है, इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, तो इन्होंने ये डिसाइड करा है भाई, इंटरेस्ट जो हम देंगे और लेंगे, अलाउ का मतलब होता है देना, ये भी लिख लो किसी को अगर लिखना है, अलाउ मतलब देना, चार्ज मतलब लेना, मतलब इस सेंटेंस में। अब बच्चा कहे सर चार्ज, अच्छा चार्ज तो आपने तब कुछ और बताया था। तो भाई हर बार ऐसा नहीं कि चार्ज वर्ड सुनते ही आप कहो कि चार्ज तो सर आपने वो सिखाया था, वो इस सेंटेंस में चार्ज का मतलब है लेना और अलाउ का मतलब है देना इस सेंटेंस में। तो इट वॉज एग्रीड कि इंटरेस्ट देना और लेना कितना परसेंट करना है आपको? 8%। तो एक बार जरा 8% निकालना दोनों, 8-8% दोनों इंटरेस्ट निकाल के जल्दी से बताओ। 24,000। ठीक है, तो ये एक्सपेंस वाला तो 24,000 और 16,000। अरे सिंपल है, 8 का पहाड़ा नहीं करा, 8 into 3 कितना होगा? 24 और 8 into 2 16। तो बचपन में अगर गणित करी होती ना ढंग से तो आज ये ना हाल होता। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। चलो ये तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हमको देना है। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पता ही है क्या है, अप्रोप्रिएशन, तो ये तो चलो कर लेंगे। एंड फिर लिखा है फुल स्टॉप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज चार्ज्ड ₹5,000 ईच, तो ये भी हम कर लेंगे। 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें लेना है दोनों से, ईच का मतलब है 5,000 अतुल से, 5,000 मिथुन से। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वॉज 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड। ये ठीक है, तो प्रॉफिट कह रहा है आपका 2,28,000 है, तो वो कह रहा है प्रिपेयर PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन मैं फिर भी क्या बनाऊं पहले अकाउंट, कौन सा बनाऊं मैं? PNL अकाउंट बना दूं? मतलब क्वेश्चन ने तो वैसे खाली हमसे बोला है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को, लेकिन मैं क्योंकि इसमें चार्ज दे रखा है और वो इनकम भी है, तो मैं पहले कौन सा बना दूं?
पीएनएल बना दूं तो किसी को तकलीफ तो नहीं है भाइयों बहनों? भाई मैं पीएनएल समझ के क्यों बना रहा हूं पहले, क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज भी है और क्वेश्चन में इनकम भी है, इसलिए मैं पहले मैं पीएनएल बना रहा हूं। चलो तो आओ पहले पीएनएल बनाएंगे। सर हम एग्जाम में बना सकते हैं हम भी? हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो। सर एग्जामिनर नंबर तो नहीं कट कर देगा? बिल्कुल भी नहीं कट कर सकता, एग्जामिनर की इतनी मजाल। तो आप पहले पीएनएल बना लो, चार लाइन का छोटा सा बना लो, ज्यादा बड़ा नहीं। तो प्रॉफिट पहले लिख लो कितना गिवन है, 228। बस अब चार्ज कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड है ना, ये तो अब आपको याद ही है, अब तो सब पता ही है बातें, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 एक्सपेंस है, और इनकम कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड, ये भी आपको पता है, 11th में ये भी आपने पढ़ा था। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000, बस और कुछ आएगा नहीं। तो इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गया, दोनों चीज़ें आ गई, टोटल कितना आएगा? 244। तो बताओ एक बार टोटल यही आ रहा है? तो क्या बचा बैलेंस? नेट प्रॉफिट बताओ, 2,20,000। ओके ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं 2,20,000। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? तो ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमको एक चार्ज दे रखा था और एक इनकम दे रखी थी, तो हमने बना लिया, तो इसके नंबर नहीं कटेंगे, तो आप चिंता ना करना। अब हम बना लेते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उसने मेन हमसे मांगा था वो बना लेते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आप बना लो 7 लाइन का, थोड़ा सा बड़ा, बाय पीएनएल अकाउंट। तो कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करा? 2,20,000। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अतुल की भी 5,000 गिवन है, मिथुन की भी 5,000 गिवन है, तो दोनों की जुड़कर बाहर हो गई 10,000। उसके बाद एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो डेबिट में लिख लेते हैं 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, अतुल की और मिथुन की, ठीक है, वो निकाल ली, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। तो इनके कैपिटल 5,00,000 और 6,00,000 दे रखे हैं, तो आप 10% निकालो, 5,00,000 का 10% 50,000 और 6,00,000 का 10% 60,000, तो 50 और 60। आओ दोस्त आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस अब तुम्हें स्टेज पे अब 2 मिनट ठुमके लगाने हैं। तो 50 और 60, चलो तो ये हो गया जी एप्रोप्रिएशन। अच्छा अब आपको निकालना है कि क्या बचा प्रॉफिट, यानी कि बैलेंस 1,20,000। ओके तो इसको आप अतुल और मिथुन के रेशो में बांट दो, उनका क्या था? सेवेंटी टू और 48,
अच्छा टू इज टू, थ्री इज टू टू, ठीक है। तो भाई बच्चे कह रहे हैं 72 ए का और 48 एम का, ठीक है, तो 3:2 में बांट दिया, ठीक है। तो सबको समझ आ गया, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो ओके, तो कर लो नोट, कर लो, अपने पड़ोसी का देख लो, उसने चेप लिया। अगला प्रश्न 19, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। तो रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। चलो तो ये बताओ, वो कह रहा है कि रीमा और सीमा दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये ईच की, तो जल्दी से निकालो और बताओ रीमा को कितनी सैलरी मिलेगी पूरे साल और सीमा को कितनी सैलरी मिलेगी पूरे साल। ठीक है, वेरी गुड, 1,80,000 रीमा को, 1,80,000 सीमा को, तो दोनों को मिलाकर मतलब कितनी मिल जाएगी, 360। पहले ये क्लियर हो गया जी। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम, फिर इन्हें 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम, ठीक है। कैपिटल्स वर 5,00,000 रुपए ईच, तो अब ये भी निकालो कि आर को, उसकी भी कैपिटल 5,00,000 है और एस को, उसकी भी कैपिटल 5,00,000 है, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 5% निकालो, 25,000 और 25,000, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 50, ओके। एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, और ड्रॉइंग्स कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर जो है दोनों ने जो करी वो 60,000 ईच करी, तो जल्दी से आर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एस का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, क्योंकि हम कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, तो कितना कितना आ जाएगा दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 6,000, वेरी गुड। तो आपके आ गए बच्चों मार्क्स 0। बहुत साल पहले जब आप बहुत छोटे मासूम बच्चे थे, नए नए क्लास 12th में आए थे, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अगर है अभी कॉन्सेप्ट रजिस्टर तो वो पन्ना खोले, उसमें एक सितारा लगवाया था और सितारा लिखवाया गया था आपको। आओ पहले वहीं चलें, देखें एक बार उस सितारे को। ये रहा भाइयों बहनों, ये देखो, इन केस व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन, आपको टोटल ड्राइंग्स गिवन है इस क्वेश्चन में 60,000, बोलो हाँ, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी का मतलब ये बताया उसने कि हर महीने निकाले, हर क्वार्टर निकाले, ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। तो आप अपने रजिस्टर में देखो जब तक यहाँ आए, देन वी हैव टू एज्यूम, कुछ लिखवाया था, क्या एज्यूम करते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखवाया था, याद आ गया, एवरेज पीरियड क्या एज्यूम करते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये लिखवाया था, और एवरेज पीरियड क्या होता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ का, सिक्स, हाँ, तो ये था वो पॉइंट। तो बताओ फिर एवरेज पीरियड अब कितना लेंगे, हाँ 6 months का, तो इंटू 6/12 करना पड़ेगा आपको। तो सब बच्चे जो ये भूल गए थे, इसका मतलब आप क्वेश्चन के चाल में फंस गए थे, बट याद आ गया आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लेते हैं हम, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने टोटल ड्राइंग दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी नहीं बता रखी। तो CBSE ने बोल रखा है कि आपको क्या मानना पड़ेगा एवरेज पीरियड, 6 months, मिडल ऑफ एवरी मंथ का। चलो तो IOD आ गया, ओके, वेरी गुड।
ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, तो आर को और एस को कितनी कितनी सैलरी देनी है? 1,80,000, 1,80,000। आर को और एस को कितना कितना आईओसी देना है? 25, 25। और आर और एस से कितना कितना आईओडी लेना है? 3 और 3। चलो अब वो क्या कह रहे हैं, आगे लिखा है द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1,00,000। ठीक है, फर्म को नेट लॉस हुआ है 1,00,000 का, ओके, ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। चलो तो अब सॉल्यूशन लिखो आप, मतलब मेन हमें जो PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो बनाते हैं। तो 5 लाइन का ढांचा बनाओ बच्चों, पांच लाइन का। डेबिट क्रेडिट और अब स्टार्टिंग इस बार आप बताना, ठीक है, स्टार्टिंग इस बार आप बताना। उसने नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, उसने नेट लॉस दे रखा है, तो कहाँ लिखोगे, किस साइड लिखोगे? वेरी गुड, तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा आपको टू नेट लॉस 1,00,000 रुपए। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आईओडी कितना कितना निकाला, आर का 3,000, एस का भी 3,000, तो 6,000। और अप्रोप्रिएशन क्या क्या देने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 25 ईच। और सैलरी कितनी देनी है? 1,00,000। ठीक है, तो मतलब आप इतने होशियार कैसे हो गए? इसका मतलब ये किस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छा पढ़ाया गया है पहले एग्जांपल्स में? वेरी गुड। तो ये बच्चे, कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर इसमें ऑलरेडी पापा घर में लॉस के साथ आए हैं, तो क्या ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर को सैलरी हम देंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। ये आपको एक एग्जांपल में याद है, सेम करवाया था। तो इसमें कोई भी आईओसी या सैलरी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, ठीक है, आपको समझ आ गया? तो अगर आपने लिखा है तो उसको ब्लॉक बना के मतलब कट कर दो। तो इसमें बस हमारा जो आंसर निकलेगा भी वो इधर निकलेगा, यानी कि 94,000। तो इधर बैलेंस को क्या वर्ड बोल देंगे अब हम? लॉस। तो इसका मतलब लॉस निकलेगा 94,000 का, अप्रोप्रिएशन आप नहीं दे सकते इस सवाल में, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल में सेम चीज सिखाई थी पहले। तो अब आर और एस का क्या रेशियो है वो बता दो। इक्वल, ओके। तो 47,000 दोनों को लॉस मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली इसका आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 47,000, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आईओसी और सैलरी हम इसमें नहीं दे सकते अप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 करते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल वर 8,00,000 and 10,00,000 respectively. Their drawings during the year were 50,000 and 1,00,000 respectively. ठीक है, drawings दे रखी हैं। Interest on capital is a charge. Oh my God. Interest on capital is a charge. दोबारा से लाइन पढ़ लो भाई। Interest on capital क्या है? Charge है। तो इसका मतलब, charge का मतलब क्या है? राक्षस है ये। तो इस बार क्वेश्चन खुद कह रहा है कि
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इस क्या चार्ज है 10% पर एनम, ठीक है। तो इस बार आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बताओ कहाँ डेबिट करें हम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये इस बार क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि ये क्या है, चार्ज है। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 15% पर एनम, ठीक है, ये बात तो नॉर्मल है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 15% पर एनम है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वॉज 1,20,000, कह रहे हमारा जो प्रॉफिट है मतलब ऊपर की बातों को दिए बिना 1,20,000 है। प्रिपेयर PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो क्वेश्चन तो कह रहा है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पर क्योंकि मेरा मन तो नहीं मानता तो मैं क्या भी बनाऊंगा, PNL अकाउंट, क्योंकि इसमें एक चार्ज दे रखा है, तो छोटा सा PNL अकाउंट बना लो आप 4 लाइन का। डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,20,000, और इस बार क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो क्वेश्चन की वजह से इसको हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्योंकि इसको कह रहे हैं चार्ज मानो, ठीक है, तो वो कहेगा चार्ज मानो तो चार्ज मान लेंगे। तो भानु का और प्रताप की कैपिटल का 10% निकाल के मुझे भी बताओ कितना आ रहा है, 80, अच्छा 80,000 और 1,00,000, ओके, तो बाहर कितना आ गया जी 180, ओके ठीक है, वेरी गुड, सही आ रहा है। तो अब आप टोटल कर लो, तो 180 डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो आपका बैलेंस इधर बच रहा है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, बाय नेट लॉस 60, बाय नेट लॉस 60। तो अब हम PNL अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, इसके नीचे PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताइए जी क्या आएगा, बताओ PNL अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, हाँ डेबिट साइड 2 नेट लॉस, तो पापा घर आए हैं लॉस के साथ, 2 नेट लॉस। तो समझ के सब प्यारे भाइयों बहनों सबको क्लियर हो गया, अगर नेट प्रॉफिट होता तो उधर लिखते, लेकिन नेट लॉस है तो इधर डेबिट में लिखा है, ठीक है। चलो तो अब पहले ही पूछ लेता हूं, अब आप क्या कोई भी अप्रोप्रिएशन दे सकते हो, नो सर, वेरी गुड। तो सबको अब ये बात याद रहेगी आपको, क्योंकि लॉस है, पापा को लॉस है, तो क्या हम कोई अप्रोप्रिएशन देंगे, अभी नहीं देंगे तो छोड़ देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज था वो लिख लिया, सैलरी वैलरी होती तो नहीं देते हम, लेकिन है नहीं, खैर बच गए हम। लेकिन उसने हमको कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हमें पार्टनर से लेनी है 15% पर एनम, और पार्टनर्स की ड्रॉइंग भी दे रखी थी 50,000 और 1,00,000, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख लेते हैं, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो भानु की और प्रताप की, तो दोनों की निकालो आप, कि भानु की कितनी आएगी और प्रताप की कितनी आएगी, ओके, तो मैडम ने बताया है ड्राइंग 50,000 है और 1,00,000 है, बताओ दक्ष तुम बताओ, भानु की ड्राइंग 50,000 है और प्रताप की ड्राइंग 1,00,000 है, और हमें 15% पर एनम इंटरेस्ट लेना है, तो कितना आएगा बताओ, बताओ 15% इंटरेस्ट लेना है कितना आएगा,
चलो प्रताप का बता दो, बताओ कितना आ रहा है? 7500। और कैसे? इसमें भी आपने एवरेज पीरियड लिया 6। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें भी आपको एवरेज पीरियड 6 लेना पड़ेगा। समझ गए क्यों लेना पड़ेगा 6? क्योंकि इसमें भी उसने आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी थी और उसने फ्रीक्वेंसी तो नहीं बताई थी कि हर महीने, हर क्वार्टर या कब पैसे विड्रॉ करें। तो हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पॉइंट ध्यान रहेगा सबको? तुम्हें ध्यान रहेगा? तो अगर तुम्हें ध्यान रहेगा तो इसका मतलब भारतवर्ष के बच्चे बच्चे को ध्यान रहेगा। तो भानु का आईओडी आएगा 3750 और प्रताप का आईओडी आएगा 75,000। तो ये लिख लो जी, 3750 और 75,000। तो अब जोड़ के बाहर बताओ कितना आ रहा है? 11,250। ठीक है, तो बस अब आप टोटल कर लो, निकाल लो क्या आएगा आंसर। तो बाय लॉस कितना बच रहा है बैलेंस? 48,750। तो इसको भानु और प्रताप के रेशो में डिवाइड कर दो, 24,375 ईच। ओके, तो ये प्यारे बच्चों आंसर आ गया 24,375। ठीक है, कर लिया नोट। अब इसमें एक डाउट बनता है, मतलब जो बाद में कई बार बच्चों को बाद में आता है, कुछ होशियार बच्चों को अभी भी तुरंत भी आ जाता है कभी कभी, तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि अगर बाद में आपको आए तो थोड़ा सा आप भी सतर्क रहो। पहले आंसर निकाल लिया सबने? ठीक है, तो अब डाउट ध्यान से सुनना, बच्चे को क्या आता है बाद में। बच्चे को ये डाउट आता है कि सर क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट वर्ड दे रखा है, देखो उसने क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट। तो बच्चे को ये डाउट आता है कि सर जब उसने नेट प्रॉफिट ही दे रखा है, पहले से ही नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर मतलब आप सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिख लो। मतलब बच्चे को ये डाउट आता है कि जब उसने नेट प्रॉफिट ही गिवन दे रखा है तो फिर आपने पीएनएल दोबारा क्यों बनाया। पहले आपको डाउट समझ आ रहा है कि डाउट क्या है? कि डाउट ये है कि अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है, गिवन है, तो आपने पीएनएल बनाया ही क्यों? ये भी एक प्रश्न कई बार बच्चे के मन में आ जाता है। तो इसका आंसर भी सुन लीजिए, इसका आंसर ये है कि ये सिर्फ उसका लिखने का एक तरीका होता है नेट प्रॉफिट। वो कहना सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, लेकिन आप आगे की अंग्रेजी पढ़ो, आगे दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। इस लाइन का भी तो मतलब समझेंगे ना हम, इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो वो नेट प्रॉफिट बता रहा है ये ऊपर की बातों से पहले का प्रॉफिट है। तो इसीलिए हमें अभी इसको फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं समझना, ये ऊपर की बातों से पहले का प्रॉफिट है, ये बताना चाहता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे इस बात का डाउट मान लेते हैं आगे चल के कि भाई ये तो नेट प्रॉफिट पहले से ही गिवन है, तो हम फिर दोबारा क्यों मतलब निकाल रहे हैं, कई बार बच्चा ये सोचता है। पर आप ऐसा मत सोचना, ये सिर्फ उसकी लैंग्वेज है, बाकी ये प्रॉफिट पहले मतलब पेमेंट से पहले का ही प्रॉफिट है, तो हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। चलिए जी, अगला प्रश्न 23। इस पर आप सी का सिंबल बना लेना। इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो भी सिखाऊंगा। चलो तो क्वेश्चन 23 पढ़ते हैं। 23 में क्या लिखा है जी? सिमरन एंड रीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर 2 लाख रुपी ईच। ठीक है, दोनों की कैपिटल है। वेयर एज करंट अकाउंट्स हैड बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। अब ये देखो, अगर कभी भी पार्टनर्स के बारे में ये दे रखा है कि करंट अकाउंट में बैलेंस है, तो इससे आपको हमेशा ये पहचानना चाहिए कि ये कौन सा कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन होती है, अलर्टनेस होती है क्वेश्चन को देख के चीज़ें पहचानने की। तो बताओ दोबारा अपने मुंह से बोलो, कैसे पहचानोगे?
करंट अकाउंट अगर दे रखा होगा तो इसका मतलब पार्टनर्स कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। अब ध्यान से सुनना, कह रहे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देंगे, तो आप ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% है वो कैपिटल पर मिलेगा या वो 5% है वो करंट अकाउंट के बैलेंस पर मिलेगा, किस पर मिलेगा बताओ। मेरा क्वेश्चन समझे कि जो 5% इंटरेस्ट है वो आपको कैपिटल पर मिलेगा या 5% इंटरेस्ट आपको करंट अकाउंट के बैलेंस पर मिलेगा। कैपिटल, वेरी गुड। तो इन्होंने ये बात नीचे हिंट में भी दे रखी है, तो आप पढ़ लो चाहे हिंट कि इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पर मिलता है, कैपिटल पर। उसके बाद कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 3 लाख, ठीक है। तो ये तो नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख। पास द जर्नल एंट्रीज, कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे बस आपको जो सिखाना है नया पॉइंट थोड़ा सा, वो जर्नल एंट्रीज का सिखाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। बाकी कह रहे हैं ऑल्सो प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज मैं करवा दूंगा। तो लिखो सॉल्यूशन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 6 लाइन का ढांचा बना लो, डेबिट क्रेडिट बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। बताओ कितना नेट प्रॉफिट गिवन है, 3 लाख, ओके। और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आप निकालोगे। सिमरन और रीमा की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000, ओके। तो 10,000 सीमा का, 10,000 रीमा का, तो 20,000 बस। और कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, तो 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, फिर बताओ क्या आ रहा है, 280, वेरी गुड। तो ये जो है प्रॉफिट बच गया बैलेंस, इसको आप सिमरन और रीमा के रेशो में बांट दो। क्या है रेशो, 3:2, तो बांटो 168 और 112, ठीक है, सही आ रहा है। तो 168 और 112, चलो। तो पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो ओके हो गया, सब बच्चों को क्लियर। तो आईओसी दे दिया और प्रॉफिट जो है वो बांट दिया, चलो। तो अब जर्नल एंट्री मैं लिखवा देता हूँ, वो आप लिखो मेरे साथ। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लिखवाता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो लिखो इसकी जर्नल एंट्री, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इसका मतलब है कि आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने रुपए डेबिट करे हैं। देखो ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, और इसमें आपने डेबिट साइड पर कितने रुपए डेबिट करे हैं, देखो 20,000। तो बस आपको एंट्री ऐसे बन गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू, अब किसको मिले पैसे, सीमा को, मतलब जो भी है, एस को और आर को, तो हम लिख देंगे 2S 2R। कितने कितने, 10,000 सीमा को और 10,000 रीमा को, या जो भी है, मतलब 10,000 एस को, 10,000 आर को। लेकिन एग्जामिनर की नज़र ये होती है कि बच्चा एस और आर के आगे क्या लिख रहा है, एक शब्द आएगा कि बच्चा एस और आर के आगे क्या लिख रहा है। एग्जामिनर तो इस ताक में बैठा होता है कि बच्चे ने यहाँ क्या लिखा है,
तो अब जो स्कूल के योद्धा हैं, स्कूल में सीख कर आए हैं, वो तो जानते हैं। तो बताओ भाई, अब देखो इसीलिए सिस्टम को पहचानना जरूरी होता है। ठीक है, पीछे मेरे मित्र, यहाँ देखो, अभी तुम्हें कक्षा से बाहर निकाला जाएगा, चिंता ना करना, बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है। ठीक है, तुम्हारे तारे गर्दिश में आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अब ये देखो कि इनका कौन सा सिस्टम था, कैसे पहचान लिया था हमने, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम था, बोलो हाँ सब बच्चे। तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में आपको एक खासियत सिखाई थी कि पार्टनर से जो भी लेना देना करना होता है, मतलब जो भी इनको हमें देना या लेना होता है, वो आप कैपिटल अकाउंट में डाल के देते हो इनसे या करंट अकाउंट में डाल के देते हो इनसे, ये बताओ। याद है स्टोरियां सुनाई थी पहले कि इसमें दो मटके बनाए जाते हैं, और पार्टनर से अगर कुछ भी लेना या देना करना है तो कौन से अकाउंट से करते थे, करंट अकाउंट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर बस इसी ताक में बैठा होता है कि बच्चे यहाँ पर कौन सा शब्द लिख रहे हैं। तो आपको बड़ी अलर्टनेस के साथ यहाँ पर करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। और अगर ये फिक्स्ड सिस्टम ना होता, वो भी बता दो ओरली, अगर ये फिक्स्ड सिस्टम ना होता तो आप क्या लिखते, कैपिटल अकाउंट। इसीलिए बच्चे को पहले सिस्टम पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया तुम्हें नलायक? ठीक है, तो अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो इसका मतलब उन्हें भी हो गया होगा, ठीक है। अच्छा तो ओके, अब अगर आपको ये समझ आया और आप होशियार बन गए, तो अब आप इसी तरह प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री बता सकते हो। इसकी जनरल एंट्री बता रहे हैं आपको, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ तो दोबारा, वेरी गुड, सही है। बाकी बच्चे भी देख लो, अब देखो प्रॉफिट के लिए भी एंट्री कैसे बनेगी, दोबारा देख लो। आपने कितने रुपए लिखे हैं प्रॉफिट के आगे, 2,80,000। कौन से अकाउंट में लिखे हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे हैं। कौन सी साइड पे लिखे हैं, डेबिट साइड पे लिखे हैं। तो बस आपको जनरल एंट्री ऐसे ही बनानी होती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 रुपए, और ये किस किस को मिल गया प्रॉफिट, एस को और आर को। लेकिन आप क्या शब्द लिखोगे, करंट अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कितना कितना, 168 और 112। तो आपको ये दोनों जर्नल एंट्रीज बस मुझे थोड़ा सा सिखानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबको समझ आ गई एंट्री, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 23। आइए जी अगला करेंगे जी 26, देखते हैं जल्दी से आ जाओ। 26 में लिखा है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3,00,000 रुपी ईच ऑन 31 मार्च 2023। वेरी गुड, तो नरेश और सुकेश की जो कैपिटल है वो 3,00,000 रुपए ईच है ऑन 31 मार्च 2023। तो इस डेट से बताओ आपको क्या लग रहा है। वेरी गुड, तो बच्चे होशियार हो गए हैं मेरे साथ रहते रहते। अब इस डेट का मतलब है कि ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 रुपए अगेंस्ट कैपिटल, नरेश ने 50,000 रुपए विड्रॉ करे हैं अगेंस्ट कैपिटल, तो ध्यान से पढ़ना अंग्रेजी, ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड रुपी 1,00,000 ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ओ माय गॉड, तो कौन बच्चा होशियार ये बताएगा कि इस ब्लू कलर वाले में और इस येलो कलर वाले में क्या डिफरेंस है। और वो वाला मेन डिफरेंस जो मैंने टीचर ने सिखाया था आपको, हाँ ये परमानेंट नेचर का है, इसे बोला जाता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। याद आ गया, ये है परमानेंट नेचर का विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
जबकि वो ब्लू कलर वाला तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो टेम्परेरी नेचर का है, वेरी गुड, जिसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो क्लियर हो गया सब भाइयों बहनों? चलो उसके बाद लिखा है सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख, ठीक है, तो सुकेश की भी ड्रॉइंग 1 लाख ही है, ब्लू कलर कर देते हैं। तो ड्रॉइंग्स को ब्लू कलर कर दिया लेकिन विड्रॉल को येल्लो कलर कर दिया, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। बाकी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, ओके, ये तो आप कर ही लोगे। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2 लाख रुपए विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब अभी देना बाकी है, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो एंट्री तो चलो हम कर ही लेंगे, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए क्या प्रिपेयर करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन ने मांगा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बनवा रहा हूं ताकि हम थोड़ा और समझ सकें। चलो तो या ना बनाए, चलो छोड़ दें, क्यों टाइम वेस्ट करना, एंट्री ऊपर से चेप लेंगे। चलो लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ आईओसी कैलकुलेट करते हैं। किस किस की कैलकुलेट करें? नरेश की और सुकेश की, तो बताओ कौन बच्चा बताएगा? नरेश की और सुकेश की आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी? 3 लाख ईच, ठीक है, 3 लाख ईच। उसके बाद नरेश की विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी है बताओ? 50,000। सुकेश की नहीं दे रखी। और उसके बाद नरेश का और सुकेश का ड्राइंग्स कितना दे रखा है? 1 लाख नरेश का और सुकेश का 1 लाख, ठीक है जी। तो इसका मतलब इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या रही होगी? कितनी रही होगी? 4,50,000 और 4 लाख, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल का मतलब हो गया जी 1 अप्रैल 2022 को ये इनकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी। चलो उसके बाद अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम निकालना है, तो पहले नरेश की निकालते हैं फिर सुकेश की निकाल लेते हैं। तो नरेश बताओ कौन बच्चा निकाल के बताएगा नरेश की कैपिटल इंटरेस्ट? सर आप निकालो, हम नहीं निकालेंगे। नरेश की ओपनिंग कैपिटल थी 4.5 लाख, हर्ष पूछ रहे प्रॉफिट क्यों नहीं यूज़ हो, प्रॉफिट अभी हमने बांटा ही नहीं था। हर्ष ने एक डाउट पूछा कि सर प्रॉफिट नहीं आपने वापस माइनस करवाया, उनसे लिया नहीं प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने दिया ही नहीं ना हर्ष। प्रॉफिट तो लिखा है इट इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है हर्ष, प्रॉफिट हमने अभी दिया ही नहीं था। प्रॉफिट तो अभी हमें देना है, अभी थोड़ी देर बाद देंगे प्रॉफिट। अच्छा तो बताओ नरेश ने कौन सी डेट को विड्रॉल करे 50,000 रुपये? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को नरेश की कैपिटल कितनी बन गई होगी? 4 लाख, ठीक है। तो अब आप जब इंटरेस्ट निकालोगे नरेश का, तो बताओ
4,50,000 पर कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे? 6 महीना. वेरी गुड. और 4 लाख पर कितने महीने का? 6 महीने का. वेरी गुड. तो ये याद आ गया आपको, सिखाया था छोटे छोटे एग्जाम्पलों में, याद आ गया दक्ष बाबू? याद आ गया, क्योंकि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल से कैपिटल चेंज हो जाती थी ना, इस तरह के डायग्राम बनवाए थे आपको, तो ये बना लो. बिल्कुल सही आ रहा है. तो आईओसी कितना आ जाएगा? टोटल आ रहा है 42,500. ठीक है, तो दोनों को जोड़कर आ रहा है 42,500. तो नरेश की तो आईओसी चलो मैंने निकलवा ली 42,500. अब दूसरा कौन है जी? सुकेश. तो सुकेश की तो ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख. और उसने कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा? उसने कोई एडिशनल कैपिटल करा? तो बस मजे आ गए आपके. तो सुकेश का तो आईओसी कितना आ जाएगा? 4 लाख. ठीक है, बिल्कुल सही. तो नरेश का आईओसी 42,500 और सुकेश का आईओसी 40. ठीक है, चलो. अब आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है बच्चों, माइंड में सोचना है. मतलब सोचना वाला आप माइंड में सोचना, मैं बस करके डेमो दिखाऊंगा. पहले यहां तक सबने नोट कर लिया? यहां तक ओके हो गया? अब उसने कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है बताओ? कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है? बोलो ना, मुंह से बोलो. 2 लाख. तो आपको बनाना नहीं है, बस आप यहाँ छोटा सा डेमो देख लो. 2 लाख दे रखा है. और आपने अभी अभी आईओसी निकाल लिया पार्टनर्स का, कितने रुपए? 82,500. तो अगर आप अब प्रॉफिट का आंसर निकालोगे तो वो आंसर प्रॉफिट का कितना बचेगा, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, कितना बच जाएगा? 1,17,500. यही बचेगा ना. तो अब इतनी सी चीज को करने के लिए क्या अकाउंट बनाना जरूरी है बताओ? नहीं है ना जरूरी. तो इसलिए मैंने इस बार अवॉइड ही कर दिया. अब हम इस चीज को मतलब वैसे भी मैथ्स करके भी निकाल सकते हैं. तो क्लियर हो गया सबको? तो 1,17,000 का प्रॉफिट जो है वो अब नरेश और सुकेश के आप रेशो में बांट दोगे. इनका रेशो क्या है? इक्वल. वो तुम्हें कैसे पता भाई? क्योंकि कोई भी रेशो गिवन नहीं है. तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? इक्वल. ठीक है, तो आप 1,17,500 को इक्वल बांट देना. ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो अब हम इंटरेस्ट की एंट्री और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री कर लेते हैं. वो हमने ऊपर भी करी थी तो दोबारा से चेप के वही चेप लेते हैं. तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री क्या लिखवाई थी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2N2S. अब एग्जामिनर ये सोच रहा है कि बच्चा आगे क्या लिखेगा. एग्जामिनर ये सोच रहा है कि बच्चा आगे क्या लिखेगा. अब आपको बताना है क्यों करंट अकाउंट लिखवाया था भाई पिछले में? तो वो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम था और ये कौन सा सिस्टम है? फ्लक्चुएटिंग. लेकिन लिखा तो कहीं नहीं है क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग. अच्छा, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फ्लक्चुएटिंग होता है. ठीक है, वेरी गुड. और अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,17,500. सही, टू एन टू एस कैपिटल अकाउंट. बिल्कुल सही, 58,750, क्योंकि दोनों को इक्वल देने का 58,750. ठीक है, तो ये नोट कर लो. तो ये इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई.
चलो बढ़े आगे, हो गया नोट। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। ठीक है, तो कह रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्टनर्स हैं, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की दे रखी है, तो ये जो लॉन्ग और शॉर्ट की कैपिटल हैं ये कौन सी कैपिटल हैं? क्लोजिंग कैपिटल है, वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व, ओके, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स। ठीक है, नीचे दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्र्यू 40,000 रुपये, शॉर्ट विड्र्यू 50,000 रुपये। ठीक है, ये ड्राइंग दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 150,000 रुपये, आउट ऑफ विच 1,00,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखो बच्चों, उसने हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 150,000 रुपये और कह रहा है उसमें से 1,00,000 रुपये आपने कहाँ ट्रांसफ़र करें हैं? जनरल रिजर्व में। तो इसका मतलब ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, इसका मतलब जो बच गए, कितने रुपए बच गए होंगे? 50। तो वो 50 किसको मिल गया होगा भाई? प्रॉफिट किसको मिल जाते हैं? पार्टनर्स को मिल जाते हैं ना। तो वैसे तो हमारा प्रॉफिट 1,50,000 का हुआ था, मान लो मेरे पास 1,50,000 है अभी, उसमें से 1,00,000 रुपए तो मैंने रिजर्व में रख लिए, कितने बच गए? 50,000, 50,000। तो ये 50,000, ये 50,000 मैं किनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? पार्टनर्स को। तो ये बात ना हमें अपने आप इंटरप्रेट करनी है, वो लिख के नहीं देगा, ये बात हमने इंटरप्रेट करी कि भाई जो बच गए 50,000, इसका मतलब वो किसे मिले होंगे? पार्टनर्स को। मतलब ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, मतलब लॉन्ग को और शॉर्ट को 25-25 इक्वल है रेशियो उनका, हाँ कुछ नहीं दिया ना, तो इक्वल है। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट इन दोनों को मिला होगा 25-25। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो तो निकालते हैं फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो सॉल्यूशन। लॉन्ग शॉर्ट, तो लॉन्ग और शॉर्ट कितनी दे रखी है? क्लोजिंग वाली कैपिटल 1,20,000 और 1,40,000, ओके ठीक है ना। लॉन्ग की 1,20,000, शॉर्ट की 1,40,000 प्लस लॉन्ग ने कितने पैसे ड्राइंग करे हैं? 40 और शॉर्ट ने 50। ठीक है, क्या है 50 है ना? कोई कुछ कह रहा है? यही ये दे तो रखा है, ये रहा लॉन्ग विड्र्यू 40 एंड शॉर्ट विड्र्यू 50। ठीक है, और कितना प्रॉफिट्स आपने इनको दिया था जो आप इनसे वापस लोगे? तो इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, बस मतलब एल और शॉर्ट और लॉन्ग का अलग अलग बताओ। हाँ 25-25, समझ गए? 25-25 प्रॉफिट्स क्यों लिया लॉन्ग और शॉर्ट का, सब बच्चे समझ गए? क्योंकि उसने वो लाइन लिखी थी जो हमने समझी थी, 1,50,000 प्रॉफिट में से 1,00,000 तो कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे? जनरल रिजर्व में। तो लॉन्ग और शॉर्ट को उसने इसका मतलब सिर्फ कितना प्रॉफिट दिया था? 25-25। ठीक है ना, तो बस इसी गड़बड़ की वजह से कई बार बच्चे गलत करते हैं। तो अब लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है। तो अब आप बताओ ओपनिंग कैपिटल, विड्रॉ का मतलब ड्राइंग ही होता है मेरे दोस्त, एक बच्चा विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ का मतलब, विड्र्यू का मतलब ड्राइंग ही होता है। ठीक है, अगर लिखा होता विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल तब वो हो जाता,
अच्छा ओपनिंग कैपिटल बताइए, 1,35,000, ओके 1,65,000, ओके। देयरफोर अब हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लॉन्ग का भी और शॉर्ट का भी। लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल है 1,35,000, इसका 8% आप निकालोगे। शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल है 1,65,000, इसका भी 8% आप निकालोगे। फिर निकाल के दोनों को मुझे बताइए। वेरी गुड, कितना आ रहा है, 10,800 और नीचे वाले का 13,200। ठीक है, तो एक बार किताब वालों का चेक कर लो, उनका भी सही है। सर वहीं से तो चेप के बता रहे हैं, तो यही आ रहा है ना, 10,800 और 13,200। चलो ठीक है, तो ये था मतलब क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था, बस इसमें एक ही ट्रिक पॉइंट था, क्या कि प्रॉफिट जो है उसमें से 1,00,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं। तो आपको बस ये पहचानना था कि इसका मतलब सिर्फ 50,000 के ही प्रॉफिट्स पार्टनर को मिले होंगे, बस ये बात पहचाननी थी, बाकी तो नॉर्मल है। चलो जी, तो ये भी हो गया, 10,800 और 13,200।